वेलकम टू माय चैनल डिजिटल स्टडी केंद्र। मैं संदीप कुमार आपके सामने नंबर सिस्टम का लेक्चर 4 पेश करने जा रहा हूं। इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि सबसे पहले हमने वो लास्ट सेशन की बात करें तो लास्ट सेशन में हमने कन्वर्जन स्टार्ट किया था। कन्वर्जन में हमने क्या देखा था, हमने देखा था पहले सबसे पहले नंबर सिस्टम को देखा था, जिसमें हमने देखा कि बाइनरी नंबर सिस्टम, फिर हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, फिर आते हैं हम लोग हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इन सभी में हमने देखा था सबसे पहला टॉपिक्स डेसिमल टू अदर, यानी डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। इस सेशन में हम लोग देखेंगे इसका जस्ट रिवर्स, मतलब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस सेशन में देखेंगे कि बाइनरी नहीं, इस बार देखेंगे बाइनरी से डेसिमल कैसे चेंज करते हैं, इस बार हम लोग देखेंगे ऑक्टल से डेसिमल कैसे चेंज करते हैं, मतलब हम लोग कुछ इस प्रकार से देखेंगे। एक बार इरेज कर दे थोड़ा क्लियर। हम लोग देखेंगे बाइनरी से डेसिमल कैसे चेंज करेंगे, हम लोग देखेंगे ऑक्टल से डेसिमल कैसे चेंज करेंगे, और हम लोग देखेंगे डेसिमल टू, यानी हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कैसे चेंज करेंगे। तो हम लोग एक चीज तो क्लियर हो जाना चाहिए कि जो हमने लास्ट क्लास पढ़ा था उससे ये थोड़ा हट करके होगा, हट करके मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है। तो चलिए हम लोग एक उठाते हैं किसी भी तरह का एग्जांपल, कन्वर्जन, मतलब ये टाइप टू है हमारा, ये है हमारा टाइप टू, कन्वर्जन का टाइप टू, जिसमें हम लोग देखेंगे अदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम क्यों देखेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहला आज उठाते हैं पहला क्वेश्चन। बाइनरी नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले कैसे क्या किया जाए। तो सबसे पहले कोई भी बाइनरी नंबर उठा लिया जाए, चलिए ये है और ये क्या बेस टू, यही बेस बता रहा है कि ये नंबर जो है किस चीज फॉर्मेट में है, वो फॉर्मेट है हमारा बाइनरी में, और हमें इसे किस में चेंज करना है, बेस 10 में। तो हमने तो वो देखा था लॉन्ग डिवीजन मेथड, लेकिन अब यहां पर प्रीवियस सेक्शन में देखा था, लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि थोड़ा सा दूसरे ढंग से इसमें हम लोग काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, सबसे पहले ये नंबर को थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए 11001। अब इसे हम लोग पोजिशन लगाएंगे, इसे बोलेंगे सबसे पहले पोजिशन नंबर 0, इसे बोलेंगे पोजिशन नंबर 1, इसे बोलेंगे पोजिशन नंबर 2, इसे बोलेंगे पोजिशन नंबर 3, इसे बोलेंगे पोजिशन नंबर 4। अब जब हमने लिख दिया इस तरह से, तो इस तरह से लिखने के बाद क्या किया जाता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो थोड़ा सा ध्यान से क्या देखिएगा, सबसे पहले ये नंबर लिखिए, मतलब क्या 1 गुने 1 गुने 1 गुने कितना, 1 गुने 2 के पावर, क्योंकि हम बाइनरी से चेंज कर रहे हैं ना, 2 के पावर कितना, पोजिशन नंबर क्या है हमारा 4, तो 2 के पावर 4 प्लस, वैसे ही फिर क्या है अगला 1 गुने 2 के पावर पोजिशन नंबर कितना है 3 प्लस 0 गुने 2 के पावर, 2 के पावर क्या होगा हमारा 2 प्लस, फिर क्या करेंगे हम लोग 0, चलिए करते यार पता चल जाएगा, 0 गुने 2 के पावर 1 प्लस 1 गुने 2 के पावर कितना 0। चलिए इसे हम सिर्फ सॉल्व कर देना चाहेंगे, इसका क्या होगा टोटल वैल्यू, 2 के पावर 4 मतलब कितना 16 प्लस 2 के पावर 3 मतलब कितना 2 के पावर 4 गुने 1 16, तब 2 के पावर 3 8, 8 गुने 1 8 प्लस, अब 0 गुने कुछ भी करो 0 प्लस, क्या करो 0 प्लस 1 गुने 2 के पावर 0 मतलब 1 गुने 1 मतलब 1। अब इन सबों को सिर्फ जोड़ दिया जाए तो क्या देखने को मिलता है 25, कैसे देखिए 16 प्लस 8 प्लस 1 16 8 24 और 1 25। तो हमने क्या देखा है, इतना बेस 2 का क्या हो गया हमारा 25 आ गया, 25 बेस 10 हो गया। चलिए नेक्स्ट, ये तो हमने देखा, बस यही तरीका सबों में फॉलो करना है,
मतलब हमने क्या देखा अभी, बाइनरी से डेसिमल देखा ना, दूसरा टाइप क्या देखेंगे, ऑक्टल से डेसिमल। चलिए उसके लिए हम लोग इसे इरेज करते हैं। ध्यान से देखिएगा, सारे में वही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे, वही सारे में वही प्रोसेस होगा। चलिए इस बार हम लोग क्या कर लेते हैं, फिर से एक बार देखते हैं। इस बार हमारा ऑक्टल रहेगा, ऑक्टल से थ्री वन बेस एट, किसको बेस टेन में कन्वर्ट करना है। तो क्या हमने बोला था, पहले थ्री वन अच्छे से लिख लो अपने कहीं रफ जगह पर, और उसके बाद क्या करो, इसका पोजीशन नंबर लिखो, पोजीशन नंबर जीरो, पोजीशन नंबर वन। अब क्या करेंगे, अब करने का तरीका यूं था कि जो नंबर है, मतलब क्या नंबर है, मतलब तीन, तीन गुने कितना पे पावर, आठ पे पावर, आठ पे पावर, क्योंकि आठ से चेंज किया जा रहा है, आठ पे पावर कितना एक, पोजिशन नंबर ना। और फिर क्या करेंगे, प्लस क्या वन गुने, वन गुने आठ के पावर कितना, पोजिशन नंबर क्या है हमारा जीरो, आठ के पावर जीरो से सिर्फ लिख दिया जाए, आठ दिए चौबीस, प्लस एट टू दी पावर जीरो मतलब कितना वन, वन गुने वन, वन मतलब क्या आ गया जी हमारा 25। तो ये देखिए 25 बेस 10 आ गया हमारा, बहुत आसान है। ये चीज तो हमने उसमें भी किया था, फिर एक बार और हम लोग देखते हैं। अब हम लोग सॉरी, ये तो अभी हमने बता दिया आपको ऑक्टल, ये जो अभी था हेडिंग था हमारा क्या, दूसरा टाइप था, दूसरा तरह के क्वेश्चन था, ऑक्टल से डेसिमल था। अब हम लोग ये जो अभी मैंने बताया वो ऑक्टल से डेसिमल था, फिर अब हम लोग देखते हैं हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। चलिए तो हम लोग एक बार देखते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। जैसे मैं ले लूं 19, बेस कितना 19 बेस 16, इससे क्या पता चल रहा है, ये 16 ही बता रहा है कि हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है, ये जो भी फॉर्मेट में है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। अब इससे किसमें कन्वर्ट करना है, बेस किसमें कन्वर्ट करना है जी, बेस 10 में, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं बाइनरी से भी डेसिमल देखा, ऑक्टल से डेसिमल देखा, अब हम लोग देखेंगे हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तो देखिए हम लोग चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या बताया था, नंबर लिखिए, उसकी पोजीशन को लिखिए, पोजीशन नंबर जीरो, ये पोजीशन नंबर वन, हमेशा हमेशा इस साइड से स्टार्ट करेंगे पोजीशन नंबर लिखना। और जब हमने लिखा पोजीशन नंबर, अब फिर क्या करना, सिंपल सा थ्योरी तो था जी, सबसे पहले वो नंबर लिखिए, वन गुने क्या लिखेंगे, वन गुने अब 16 के पावर, 16 के पावर क्यों, क्योंकि 16 से 10 में चेंज करना, 16 के पावर क्या, पोजीशन नंबर, पोजीशन नंबर क्या है वन, प्लस 9 गुने 16 के पावर कितना, 9 कहां से उठा, ये 9, 9 गुने 16 के पावर कितना, पोजीशन नंबर जीरो, मतलब इसका हो गया 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 क्या होता है 25। तो हम क्या लिख सकते हैं 25 यहां फिलअप होगा। तो सिंपली हमने देखा, ये देखिए ये मैंने वही एग्जांपल लिया जो लेक्चर 3 में हमने लिया था, ये लेक्चर 4 में मैं वही एग्जांपल को एक वेरीफाई करके देखा कि वो जो आया था मेरा आंसर वो सही था कि नहीं। और अगर आपको लगता है कि कुछ और आंसर था तो आप प्रीवियस लेक्चर को एक बार देख लीजिए, आपको मिलेगा। जैसे कि मैंने ये कन्वर्ट किया, तो देखिए मैंने पिछली बार कन्वर्ट किया था तो मैंने लिखा था 25 बेस 10 को क्या होता है, 25 बेस 10 का बाइनरी में होता है 11001 बेस 2, और फिर हमने लिखा था 31 बेस 8, और हमने लिखा था 19 बेस 16। अभी देखिए हम लोगों ने पहला टाइप में क्या देखा था, बाइनरी डेसिमल टू अदर, मतलब इसमें चेंज किया था, फिर इसमें चेंज किया, फिर इसमें चेंज किया। लेकिन आज हमने क्या देखा, आज हमने कुछ अलग ही देखा, आज हमने देखा बाइनरी, मतलब बाइनरी से किसमें डेसिमल से, हमने क्या देखा ऑक्टल से किसमें डेसिमल में, हमने क्या देखा हेक्साडेसिमल टू किसमें डेसिमल में। यानी हम लोग अब बोलिए अगर कन्वर्जन करना हो तो अब आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है, किस किस चीजों से, आप किसी से किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अब एक मुद्दा उठता है, चलिए मैं सीरियस करता हूं, आप लोग देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियो से, तो आप लोग ये चीज को देखिएगा कि हम लोगों ने जो किया बाइनरी ऑक्टल डेसिमल हेक्साडेसिमल में जो आपस में कन्वर्जन, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बाइनरी है
उसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। तो सबसे पहली बात, एक नॉर्मल मेथड तो जानना पड़ेगा। तो नॉर्मल मेथड यही है कि बाइनरी से हमने हेक्साडेसिमल तो पढ़ा है, जाहिर सी बात है नहीं पढ़ा, तो हम लोग सबसे पहले से क्या करेंगे, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, और डेसिमल से फिर किस में कन्वर्ट कर देंगे, हेक्साडेसिमल, क्योंकि हमने तो पढ़ा था बाइनरी से, अभी जस्ट पढ़ा डेसिमल की ओर, और ये भी पढ़ा डेसिमल से हेक्साडेसिमल, कैसे कन्वर्ट करेंगे वो लेक्चर 3 में हमने पढ़ा था। तो इस तरह से किया जा सकता है, लेकिन हम लोग अगले सेशन में एक शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे। शॉर्ट ट्रिक्स के अंतर्गत हम लोग कन्वर्जन बहुत ही आसानी से कर पाएंगे बाइनरी से अदर नंबर सिस्टम में। यानी अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, जैसे डेसिमल टू बाइनरी, फिर बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ये सारी चीजें हम लोग करके देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।